बिजली और बल्ब के बिना आज जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। पर दुनिया हमेशा ऐसी नहीं थी। हमारे पास रोशनी के लिए सूरज व आग ही एक विकल्प था। बल्ब के आविष्कार ने हमारी दुनिया ही बदल दी। हम सभी ही बचपन से पढ़ते आए हैं कि इनकैंडेसेंट बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था, पर असल में यह बात आधी ही सच है। ना तो वह पहले और ना ही वह ऐसे अकेले आविष्कारक थे जिन्होंने इस क्षेत्र में कार्य किया। इससे पहले कि हम आगे बात करें, आइए इनकैंडेसेंट बल्ब के विषय में कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। जब करंट किसी फिलामेंट मटेरियल से पास होता है तो रेजिस्टेंस के कारण हीट उत्पन्न होती है। पदार्थ के परमाणु एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। परमाणु के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं और न्यूक्लियस से दूर ऑर्बिट में शिफ्ट होने का प्रयास करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट एक लोअर ऑर्बिट में कोलैप्स हो जाती है तो फोटोन के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा बाहर आती है जिससे रोशनी उत्पन्न होती है। वर्ष 1800 में अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने बैटरी का आविष्कार किया। 1802 में हम्फ्री डेवी ने एक बैटरी बनाई और चारकोल स्टिक्स के सिरों के बीच कुछ गैप देकर उसमें बैटरी के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास किया। इससे दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच आर्क उत्पन्न हुए। डेवी ने इसे आर्क लैंप नाम दिया। आर्क लैंप के साथ कुछ बड़ी दिक्कतें थीं। कार्बन रॉड्स को बार बार बदलना पड़ता था। ये डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेज प्रोड्यूस करती थी। इनसे हिस की आवाज निकलती रहती थी तथा आग लगने का खतरा भी बहुत अधिक था। अगले कई दशकों तक विभिन्न आविष्कारकों ने लाइट बल्ब के अपने अपने डिजाइन बनाए। 1840 में ब्रिटिश वैज्ञानिक वॉरेन डीला र्यू ने वैक्यूम ट्यूब में प्लैटिनम के फिलामेंट का यूज करके एक बल्ब बनाया। वॉरेन ने सोचा कि क्योंकि प्लैटिनम का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और वैक्यूम में बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स प्लैटिनम से रिएक्ट कर पाएंगे, अतः बल्ब की लाइफ बढ़ जाएगी। उनकी सोच सही थी और प्लैटिनम के यूज के कारण बल्ब की लाइफ भी पहले से बढ़ गई। लेकिन क्योंकि प्लैटिनम एक काफी महंगा मेटल था, अतः बल्ब में इसका प्रयोग इकोनॉमिकली वायबल नहीं था। 1841 में इंग्लैंड के ही एक दूसरे व्यक्ति फ्रेडरिक डी मॉलेंस ने चारकोल पाउडर व प्लैटिनम का प्रयोग करके बल्ब बनाया और उन्हें इसका पेटेंट भी मिल गया। इनकैंडेसेंट लैंप का पेटेंट लेने वाले वे पहले व्यक्ति थे। 1830 में जोसेफ स्वान नाम के एक अन्य फिजिसिस्ट ने एक कॉस्ट इफेक्टिव लाइट बल्ब बनाने का तरीका खोजा। उन्होंने प्लैटिनम की जगह कार्बोनाइज पेपर फिलामेंट का प्रयोग किया। स्वान को यूके में 1878 में इसका पेटेंट भी मिल गया। स्वान ने फिलामेंट को जल्दी जलने के कारण ऑक्सीजन से बचाने के लिए बल्ब में वैक्यूम क्रिएट करने का प्रयास किया, लेकिन क्योंकि उस समय वैक्यूम पंप इतने एफिशिएंट नहीं थे, अतः वे बल्ब में पार्शियल वैक्यूम ही क्रिएट कर पाए। और साथ ही स्वान द्वारा यूज किया गया कार्बन फिलामेंट भी थोड़ा अधिक मोटा था, जिस कारण बल्ब की लाइफ ज्यादा न बढ़ सके। इसी समय दूसरी तरफ एडिसन भी एक कॉमर्शियली वायबल बल्ब क्रिएट करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स में लगे हुए थे। एडिसन को स्वान के बल्ब की डिजाइन में कमियों का एहसास हो गया था। उन्होंने सोचा कि एक कार्बन का पतला फिलामेंट जिसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत अधिक होगा, उसे ग्लो करने के लिए बहुत ही कम करंट की आवश्यकता होगी, अतः वह जल्दी जलेगा नहीं। साथ ही उन्होंने बल्ब में प्योर वैक्यूम क्रिएट करने के लिए बल्ब को गर्म करने के साथ साथ उसमें से पंप द्वारा हवा खींचने की तकनीक अपनाई। इसके लिए उन्होंने एस्प्रिंजल पंप का प्रयोग किया। स्वान के आविष्कार के लगभग एक साल बाद ही एडिसन ने कार्बोनाइज बैम्बू के फिलामेंट का प्रयोग कर पहला इकोनॉमिकली वायबल लाइट बल्ब बना लिया। दूसरी तरफ स्वान ने भी अपने बल्ब में सुधार कर इंग्लैंड में एक इलेक्ट्रिक कंपनी की स्थापना की। एडिसन ने स्वान पर पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट का मुकदमा किया, पर स्वान का पक्ष भी कम से कम इंग्लैंड में तो मजबूत था ही। अंत में एडिसन ने स्वान से समझौता कर लिया और दोनों ने मिलकर एडिसन स्वान यूनाइटेड की स्थापना की। 1880 तक एडिसन की कंपनी ऐसे बल्ब बनाने लगी थी जो कि 600 घंटे से भी अधिक समय तक चल सकते थे। 1878 से पहले 1874 में भी दो कैनेडियन इलेक्ट्रीशियन हेनरी वुडवर्ड व मैथ्यू इवांस ने भी कार्बन रॉड्स व नाइट्रोजन का यूज कर लाइट बल्ब बनाया था। उन्होंने इसका पेटेंट लेकर इसे कॉमर्शियलाइज करने का प्रयास किया, पर वह सफल ना हो सके। अंत में 1879 में उन्होंने अपना यह पेटेंट एडिसन को बेच दिया।
बल्ब में वर्तमान टंगस्टन से पहले प्रयोग होने वाला मेटेलिक फिलामेंट टैंटलम था। वर्नर वॉन ब्राउन ने पहली बार इसका प्रयोग किया। सीमेंस व हेल्सकी की कंपनी ने टैंटलम के बल्बों का निर्माण किया, जिसने एडिसन की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के बल्बों को कड़ी टक्कर दी। वर्ष 1904 में एक हंगरियन कंपनी ने पहली बार बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया। सर्वप्रथम सिंटर टंगस्टन को अलेक्जेंडर जस्ट व फ्रांस हनामेन द्वारा डेवलप किया गया था। बाद में इसकी राइट्स एडिसन की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने खरीद लिए। असल में टंगस्टन फिलामेंट बहुत ही फ्रेजाइल होता है, अतः इसका प्रयोग बल्ब में सीधे संभव ना था। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के विलियम कूलिज ने स्वैगिंग व सिंटरिंग के द्वारा डक्टाइल टंगस्टन बनाया। बल्ब में टंगस्टन फिलामेंट के प्रयोग से बल्ब की लाइफ बहुत बढ़ गई और बल्ब की रोशनी भी ज़्यादा चमकदार हो गई। धीरे धीरे बल्बों में वैक्यूम की जगह इनर्ट गैसेस का भी प्रयोग होने लगा, जिससे बल्ब की ल्यूमिनोसिटी बढ़ गई और उन्होंने वर्तमान युग के इनकैंडिसेंट बल्ब का रूप ले लिया। लेकिन वर्तमान में इनकैंडिसेंट बल्ब की जगह CFL व LED बल्ब्स ने ले ली है। अब तक की बातों से यह बात तो साफ है कि पहले लाइट बल्ब का आविष्कार एडिसन से बहुत पहले ही हो चुका था, लेकिन उन बल्बों में कुछ न कुछ कमियां थीं। किसी की लाइफ कम थी तो कोई इकोनॉमिकली वायबल नहीं था। एडिसन ने पहला इकोनॉमिकली वायबल इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया, जो कि सस्ता व टिकाऊ था। इस संबंध में एडिसन ने न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्टर से कहा था, क्योंकि वहां जलाने के लिए कोई ऑक्सीजन नहीं है, अतः यह कार्बन का टुकड़ा काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। इसमें इलेक्ट्रिक करंट द्वारा उत्पन्न हीट को रेजिस्ट करने के गुण हैं और साथ ही यह प्रकाशवान है और इतना खूबसूरत प्रकाश देता है जितना कि दुनिया ने शायद ही कभी देखा हो। हॉर्स शूज टाइप के इन कार्बन के टुकड़ों की कीमत लगभग 1 सेंट है और पूरे लैम्प की कीमत 25 सेंट से ज़्यादा नहीं होगी। पहला कॉमर्शियली सक्सेसफुल लैम्प बनाने से पहले एडिसन ने लगभग 3000 मटेरियल्स का फिलामेंट के रूप में प्रयोग करने का प्रयास किया था। साथ ही उन्होंने दूसरों के भी कई पेटेंट खरीदे थे। एडिसन उस समय के एक नामी ग्रामी शख्स थे, साथ ही वह अपने द्वारा किए गए आविष्कारों का भी खूब बढ़ा चढ़ाकर बखान करते थे। यह बात उनकी जॉर्ज वेस्टिंग हाउस व निकोला टेस्ला के साथ AC व DC की जंग में और अधिक उभर कर सामने आई। एडिसन का प्रभाव उस समय इतना था कि वह अखबारों के पन्नों पर छाए रहते थे तथा उनकी कंपनी इलेक्ट्रिक की उस समय की सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी। अतः उनके प्रभाव के आगे इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कार में और सभी आविष्कारकों के योगदान की अनदेखी कर दी गई। और आगे जैसा कि हम जानते हैं कि बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया, जबकि असल में बल्ब का आविष्कार कई आविष्कारकों के योगदान का फल है, जिसे अंत में एडिसन ने स्वान के साथ मिलकर इकोनॉमिकली वायबल बनाया और यह घर घर तक पहुंच गया।